हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। एंड दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट फॉर रिलेशन एंड फंक्शन। सेट के बारे में पढ़ने के बाद रिलेशन और फंक्शन को पढ़ना बड़ा इजी। रिलेशन और फंक्शन, इसमें एक टर्म यूज होती है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट स्मॉल ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ये डिनोशन होगी ऑर्डर्ड पेयर की, नोटेशन होगी ऑर्डर्ड पेयर के लिए लाइक दिस। इन ऑर्डर्ड पेयर ए इज रिगार्डेड एज फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज रिगार्डेड एज सेकेंड एलिमेंट। एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। एंड सेकेंड, अगर गिवन है कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर सी हो और बी बराबर डी हो। अब एक चीज और कि ये जो ब्रैकेट है ना ऑर्डर्ड पेयर का है, ये ए बी है ना, ये ऐसे नहीं हो सकता लाइक दिस, क्योंकि ये तो है एक सेट की नोटेशन और ये है एक ऑर्डर्ड पेयर की नोटेशन। सो अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टू सेट्स, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में दो सेट की। A and B to non-empty set, the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and is defined as the set of all ordered pairs AB। यानी कि A cross B जो आएगा, Cartesian product जो आएगी इनकी, वो आएगी set of all ordered pairs AB, जहां पर where A belong to A and B belong to B। ये डेफिनेशन होगी उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी है तो ए क्रॉस बी भी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। अगर इसको एक एग्जांपल करना चाहे, अगर ए जो है वो 1, 2, 3 गिवन है और बी जो है वो 4 और 5 गिवन है, तो ए क्रॉस बी जो आएगी वो आएगी 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5 और 3, 4 और 3, 5। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनेगा वो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डोनेट करेगा। और अगर ये गिवन है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब आइदर ए और बी इज इक्वल टू 5, यानी कि या तो कोई एक या फिर दोनों, और बोथ आर एम्प्टी सेट। अगर ए जो है वो 1 और 2 है और बी जो है वो 5 है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि ए बी को बिलोंग, ए क्रॉस बी को बिलोंग करने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा ही नहीं। एक थर्ड प्रॉपर्टी है, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अभी हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें ए में 3 एलिमेंट थे और बी में 2 थे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है, तो एन ए क्रॉस बी में भी 6 ही ऑर्डर्ड पेयर आए थे हमारे पास। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, यानी कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए। यानी कि ये दोनों कैसे सेट हैं? इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट वे सेट होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, भले ही वो एलिमेंट बराबर ना हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अगर तीन सेट मान लीजिए ए बी सी, और तो इनकी जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो आएगी वो आ जाएगी ए बी सी, जहाँ ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी और सी बिलोंग टू सी। एलिमेंट को स्मॉल से और सेट को कैपिटल से डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे रिलेशन के बारे में। द वर्ड रिलेशन इन लिटरल सेंस सम मीन्स दैट टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू सम रिकॉग्नाइजेबल लिंक और कनेक्शन बिटवीन द टू। कोई भी दो क्वांटिटीज का आपस में कोई भी रिलेशन हो सकता है, मान लीजिए इज फादर ऑफ, इज चाइल्ड ऑफ, कुछ भी रिलेशन बन जाए। यानी कि इसको अगर हम जब डिफाइन करेंगे तो मान लेते हैं ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब कोई भी सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। यानी कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आर जो है वो रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू बी। जहां पर ए जो है ना ये डोमेन होगी, इसको कहते हैं डोमेन, और रेंज है बी, या फिर रेंज नहीं कहेंगे इसे, हम कोडोमेन कहेंगे। रेंज कब होगी? जब बी का हर एलिमेंट का ए के एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एक रिलेशन हो, तब ये रेंज बन जाएगी, लेकिन वैसे एक कोडोमेन होगी अभी। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी के हर एलिमेंट के लिए, इसलिए रेंज बराबर कोडोमेन। यानी कि डोमेन की डेफिनेशन क्या आई? Let R be a relation from set A to set B, then set of all the first components, ordered pair AB होगा, तो set of all the first components of the ordered pair belong to R is called as the domain of R. और R जो है वो A का subset होगी। अब बात करेंगे range के बारे में। सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, और आर जो है वो बी का सबसेट होगा यहाँ रेंज। अब बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में। मान लेते हैं ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए के अंदर एम एलिमेंट है और बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो इनके ए से लेकर के बी तक 2n जो हैं वो रिलेशंस होंगे टोटल। एग्जांपल के थ्रू अगर समझें, अगर एम की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 2 है तो इनका टोटल रिलेशन 2n(3)2 यानी कि 64 आ जाएगी। 64 रिलेशंस बन सकते हैं इनके बीच में। अब बात करेंगे सम टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल टू ए ए सच दैट ए बिलोंग टू ए। यानी कि ए रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर कोई सेट है मान लीजिए 1 और 2 ही है, तो जो रिलेशन डिफाइन होगा, अगर रिलेशन है 1 1 और 2 2 तब ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, इसके अलावा कोई और इसमें नहीं बन सकता। अब बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। नाम से ही क्लियर है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि आर जो है वो ए क्रॉस ए होगा। फॉर एग्जांपल एक सेट ले लेते हैं हम 2 और 3 जिसके एलिमेंट है, तो आर जो डिफाइन होगा वो 2 2 2 3 3 2 और 3 3।
ये जो रिलेशन बना ये यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। अब बात करेंगे वॉइड और एम्प्टी रिलेशन के बारे में। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एज ए वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि आर इज इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम। मान लेते हैं ए जो है वो गिवन है 1, 2, 3 और आर रिलेशन दे दे ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू ए और ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 दे दे। अब इन दोनों में से किसी का भी सब्ट्रैक्शन 8 नहीं आ सकता किन्हीं भी दो एलिमेंट का। ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ही नहीं किया इसीलिए ये रिलेशन कैसा रिलेशन हुआ वॉइड रिलेशन हो गया। अब यहीं पर एक चीज और डिस्कस करते हैं हम साथ में। द वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिलेशन। यानी कि किसी भी सेट के ऊपर वॉइड रिलेशन जो है वो स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा और यूनिवर्सल जो रिलेशन होगा ये लार्जेस्ट रिलेशन होगा किसी भी सेट के ऊपर। दीज रिलेशंस आर आल्सो कॉल्ड एज ट्राइबल रिलेशन। इन रिलेशंस को कैसे रिलेशन कहते हैं ट्राइबल रिलेशंस। अब नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशन। नाम से ही क्लियर है आर का जो इनवर्स आएगा वो इनवर्स रिलेशन। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। यानी आर अगर था हमारे पास कोई रिलेशन ए से बी तो आर इनवर्स क्या होगा बी से ए की तरफ। और अगर मान लीजिए कोई सेट है ए उसे हम 1 और 2 कह रहे हैं और R जो डिफाइन हुआ वो हो गया हमारे पास 1, 1, 2, 2, 1, 2 और 2, 1। तो R इनवर्स जब हम डिफाइन करेंगे तो इसे रिवर्स कर देंगे। अब हम हालांकि इसमें रिवर्स में एलिमेंट सेम आ रहे हैं शायद ये भी 2, 2 ही रहेगा और ये 2, 1 बन जाएगा और ये 1, 2 बन जाएगा। लेकिन किसी भी रिलेशन में अगर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देते हैं तो वो उसका आर इनवर्स बन जाता है। यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स जो है ना वो रेंज ऑफ आर है और रेंज ऑफ आर इनवर्स जो है वो क्या है डोमेन ऑफ आर है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं तीन ऐसे रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए एंड एवरी ए ए बिलोंग टू आर। यानी कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट के लिए ए आर ए जो है वो डिफाइन होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। यानी कि ए अगर कोई एलिमेंट है जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है किसी ए सेट के अंदर तब की कोई रिलेशन अगर डिफाइन है मान लीजिए 1, 1, 1, 2 और 2, 2 तब ए और बी इसके दोनों एलिमेंट के लिए 1, 1 और 2, 2 एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए रिफ्लेक्सिव है। यानी कि ए आर ए एग्जिस्ट करना चाहिए इट मीन्स ए ए बिलोंग टू आर करना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। अगर ये है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है अदरवाइज नहीं हो सकता। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कौन कौन से रिलेशन होंगे कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। जो आइडेंटिटी हमने किया था जिसमें प्रत्येक ए बिलोंग कर रहा था
आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बस इतना ही डिफरेंस है कि आइडेंटिटी में तो सिर्फ ए ए के एलिमेंट होते हैं रिलेशन में, लेकिन ए ए के अलावा रिफ्लेक्सिव में और डिफरेंस हो सकते हैं। इसका मतलब हर आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और पावर सेट है, किसी पी ए मान लेते हैं उसका क्या है, पावर सेट है, देन द रिलेशन आर ओन पावर सेट ऑफ ए डिफाइंड बाई एक्स वाई, अगर वो उसको डिफाइन कर रहा है एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई, तब ये रिलेशन भी क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि एवरी सेट जो है वो सबसेट है खुद का है। जो इसमें सेकंड हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव की बात, वो है सिमेट्रिक। इसको आम भाषा में कहें तो अगर ए बी बिलोंग टू आर कर रहा है, इसका मतलब अगर बी ए बिलोंग टू आर कर रहा है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए, अगर ये चीज गिव सेटिस्फाई है, इसका मतलब वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि ए आर बी अगर गिवन है इसका, और बी आर ए भी डिफाइन है किसी भी रिलेशन के अंदर, वो सब ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, तब वो रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यूनिवर्सल सेट सिमेट्रिक होता है, यूनिवर्सल जो रिलेशन है वो हर सेट के ऊपर सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। थर्ड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन इसका मतलब क्या है कि अगर ए आर बी है और बी आर सी भी, ए आर बी बिलोंग टू आर और बी आर सी बिलोंग टू आर, और इम्प्लाइज दैट ए आर सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर, अगर ये चीज डिफाइन है तो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और एक एग्जांपल अगर और करें, द रिलेशन और आर ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एक्स आर वाई, एक्स इज लेस देन वाई, अगर ये रिलेशन है तो ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि अगर जेड भी लेंगे हम, मान लेते हैं वाई और जेड लेंगे, वाई आर जेड, इसका मतलब क्या है कि y लेस देन z है तो x भी z से छोटा ही होगा और x r z भी डिफाइन हो जाएगा यहाँ से, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इसके साथ साथ एक और पढ़ते हैं, एंटी सिमेट्रिक। हम सिमेट्रिक पढ़ चुके हैं, अब एंटी सिमेट्रिक। ए रिलेशन r ऑन ए सेट a इज एंटी सिमेट्रिक इफ a r b एंड b r a इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b, यानी कि ए आर बी भी गिवन है और बी आर ए भी डिफाइन है और ये आ जाए ए इज इक्वल टू बी, तब वो एंटी सिमेट्रिक होगा। यानी कि ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉट एंटी सिमेट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग टू ए सच दैट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B अगर आ जाए तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। यहां पर फर्स्ट पार्ट रिलेशन फंक्शन का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।